फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को देखने के बाद दर्शकों ने अपना रिव्यू दिया। ज्यादातर लोगों ने फिल्म की प्रशंसा और अनुपम खेर को बधाइयां दी। द मूवी वॉज गुड, लाइक इट वॉज नॉर्मल मूवी, काइंड ऑफ मूवी, एंड द फैक्ट्स व्हिच वर शोन दे वर अकॉर्डिंग टू द नॉवेल व्हिच वॉज रिटन, सो आई थिंक दे आर राइट एंड दे आर गुड and the movie is good, really good. What is it, what the truth is, it should come to the public and everybody should know the truth, and if they are showing the truth according to the books, then it's really good, and these kinds of movies are necessary for everyone to know what's going on right now. There was already a controversy behind this movie, you know, okay. Manmohan Singh ji ka mazak udaya gaya, to kahin aapko aisa laga ki unka mazak udaya gaya hai is film mein? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जहाँ जहाँ उन्हें सही करा है, उनका इमेज काफ़ी अच्छा दिखाया है, तो उनका इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी सच है वही दिखाया है। ओके, अनुपम खेर जी की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? या अच्छी थी, बहुत अच्छी। ओके, ओवरऑल कितना स्टार्स देना चाहेंगे? 3.5। थैंक यू सो मच। तो अभी अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देख कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी लगी? जैसी है वैसी ही लगी, मतलब काफ़ी चीज़ें जो शायद पब्लिक व्यू में मतलब क्लियर नहीं थी, शायद हो सकता है अभी क्लियर हो, बट वी जस्ट कैन नॉट से व्हाट्स, आई स्टिल कांट से व्हाट्स द रियलिटी, यू नो, इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग इट। आई वुड लाइक टू से आई रियली वांटेड टू कन्वे दिस टू द डायरेक्टर, वेरी नाइस जॉब, इट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेप, बहुत ही एकदम हिम्मत से बोला है। Very nice. I like the designing of the film. Very nice camera work. Very casting nice. Was brilliant. Designing, I love the beautiful casting. Beautiful casting. Very nice casting. At least I think one should go and watch this film. Absolutely. Okay, a film काफी controversial रही है, controversies में रही है कि मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाया गया है कहीं ना कहीं फिल्म में, तो क्या कहना चाहेंगे, कहीं लगा ऐसा कि उनका मजाक उड़ाया गया? मुझे नहीं लगता। I guess जैसा उनका व्यक्तित्व है, जैसा जैसे वो है, दिखाने की कोशिश की गई है कि मनमोहन कैसे हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कैसे हैं, आपको भी नहीं पता, लेकिन जो कोशिश की गई है दिखाने की, अगर सच वही है, तो आई एम रियली ग्लैड कि जिसने भी इस आइडिया के बारे में सोचा, आई एम रियली ग्लैड कि एटलीस्ट उनकी सही इमेज दिखाने की कोशिश की गई है। ओके, आप डायरेक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्शन वेरी वेल हैंडल्ड, हंसल मेहता जी इज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, I mean, I loved most the shots, amazingly executed, and the direction was brilliant as well. I mean, hats off to the director. I think he's so young, and you did a great job. I mean, he did a great job, and I loved the camera work also. It was very well designed. It looked more theatrical, and yeah, theatrical, काफी अच्छा था. Yeah, it was very interesting actually. So, okay, 5 hours. ओके सर, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर देखकर आ रहे हैं, कैसी लगी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? अच्छी है मूवी, आई मीन थोड़ी एम्बिग्यूटी एंड में अभी भी है, आई मीन इट्स नॉट वेरी गिविंग यू अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एंटायर थिंग, द एंडिंग इज लिटिल एम्बिगुअस, पर द मूवी इज रियली नाइस। ओके, डायरेक्शन की बात करें तो कैसी लगी डायरेक्शन? डायरेक्शन आई एम नॉट एबल टू कॉमेंट, बट एक्टिंग बहुत अच्छी थी मनमोहन सिंह की, स्पेशली अनुपम खेर की, इट वॉज लाइक रियली द स्पीचेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर व फुटेज थी एंड में, बट इट वॉज लुकिंग लाइक यू कैनॉट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन मनमोहन सिंह फुटेज एंड एक्चुअल अनुपम के शूटिंग। ओके, फिल्म अगर बात करें फिल्म की, तो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज में रही है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया गया है, हाँ. तो लगा आपको कहीं ऐसा कि हाँ ऐसा ज़रूर लग रहा था कि समटाइम्स अब ये नहीं पता मजाक बनाया गया कि नहीं, हो सकता रियल केस भी यही हो, बट ऐसा ज़रूर था कि वॉज शोन इन अ वेरी सबमिसिव लाइट, बहुत बार ऐसा था कि he could have taken a stand but he did not just because he did not want to, uska koi justification nahi diya gaya hai movie mein. Okay, overall kya kehna chahenge? I think Akshay Khanna ka part is more glorified in the movie, I mean he was the real hero in the movie, it looked like that, but ha also yeah, just before the elections hai to it looked like Congress ka bahut acha light mein nahi dikhaya gaya Congress ko. Okay, 5 mein se kitna star diya jata hai? As a viewer 4 maybe, yeah 4. Thank you so much. I think the movie was good, however it was a bit stretched because whatever we expected and whatever we knew before watching the movie, they did not extend it further, they did not give us anything else apart from whatever everyone knew and whatever everything was expecting, so it was very boring to see that. However, another thing was that in the end they did not confirm whether Manmohan Singh agrees to whatever has been played out in the movie and the book, because they show that Manmohan Singh never talked to Sanjay Barua after the movie,
So we are curious to know whether what is Manmohan Singh's thought on this, because this movie can be politically framed, especially when it is being released in 2019 when the Lok Sabha elections are really nearing. So at this time it can be a political gimmick as well. So yeah, it was not really a movie, it was something which is already out there on the internet. What do you want to say about the performance of Anupam Kher in Manmohan Singh? Anupam Kher was pretty good because we couldn't see Anupam Kher in the character, but we could see Manmohan Singh only. Like, same with Sonia Gandhi, that both the characters who were playing Sonia Gandhi and Manmohan Singh were really looking like them. However, Rahul, they could not find a better match for Rahul, so he was looking like a duplicate and not real. What about Akshay Khanna? Akshay Khanna was amazing. His definitely he was a hero, and there was no other hero casted in the movie, so he stood out. And also, since he wrote the book and he was the protagonist, he anyway had to stand out. So he was too glamorized in the movie, is what I'll say. Okay, out of 5, how many stars would you give? 2.5, just because it was boring and it did not give me anything else than what I already knew. Thank you so much. Prime Minister, kaise lagya? Mujhe bahut pasand aayi movie. Kya sabse zyada pasand aaya film? The bond between Sanjay Baru and Manmohan Singh, that is Anupam Kher and Akshay Khanna, was really amazing. And unki performance bahut achhi lagi mujhe. Matlab jis hisab se unhone believable performance di aur unka bond kahin na kahin bahut achha lag raha tha dekhne mein ki itni politics aas pass chal rahi lekin inki bond ko koi affect nahi kar pa raha tha. So do you think political angle diya gaya isko kyunki election nazdeek aa raha hai 2019? Nahi, wo to शायद कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि मूवी इस समय रिलीज़ हो गई, बट जब मूवी बन रही होगी तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे इसको किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बनाना है. उन्हें सिर्फ सच सामने रखना था. एंड मूवी के स्टार्ट में ही ये बताते कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के बुक पे बेस्ड है. सो उसमें कुछ चेंज किए भी होंगे तो आप लोग मीडिया वाले लोग तो इतने इंटेलिजेंट है कि आप उसे पकड़ लेंगे. सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि कोई पार्टी रिलेटेड कुछ इफेक्ट करने का चीज़ था. राइट, इसके अलावा ये भी कंट्रोवर्सी थी कि उनको बैड लाइट में दिखाया जा रहा है मनमोहन सिंह. बैड लाइट में मजाक तो अब ऐसा है कि आजकल तो फेसबुक और ये सब में लोग किसी का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, तो जिसका मजाक उड़ते आया है उनका तो उड़ा ही है. बट ऐसे दिखाया नहीं गया कि उनका मजाक उड़ता है, क्योंकि वो अपने तरफ से तो सही काम कर रहे थे. अब जिस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे चीज़ों को, वो तो घुमा के अगर आप करोगे तो मजाक उड़ ही सकता है. सो दैट इज़ द थिंग. मैं 3.5 to 3 स्टार देना चाहूँगा इस मूवी को. थैंक यू. The movie was really nice, and I actually was mesmerized by Akshay Khanna's performance, and Anupam Kher sir is always, you know, he's really nice in his part, and I like the fact that the movie did not contain any manipulating things, and the movie actually displayed what it required to be displayed, and it actually did not manipulate the things badly, and yeah, it was a nice movie. And I would like to watch the movie again. There was so many controversy that they are showing Manmohan Singh in bad light. So I said that I actually respected Dr. Manmohan Singh ji, and I like the fact that उनके बारे में सारी बातें सही से बताई गई हैं कि उनको manipulate किया गया था movie में जैसे दिखाया ही गया है, तो वो सब. I actually stated that he was really nice. फिल्म के प्रदर्शन के बारे में पहले ही दिन किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा.